हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को जो कि मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ व्यू कर रहे हैं, मैं सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के क्रंच के बारे में। आज मैं क्या क्रंच करने वाली हूँ? कोलकाता क्ले पॉट मैंने दो लिया है, मुझे ज़्यादा क्रंच नहीं करना है, दो लिया है। इस दोनों को मैं क्रंच करूँगी। अभी देख सकते हैं, ये कोलकाता क्ले पॉट में ना बहुत ही अर्थी स्मेल है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रंच शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स मेरा आज का क्रंच यही कंप्लीट हुआ। क्ले पॉट बहुत ही अर्थी और बहुत ही क्रंची था। क्ले पॉट क्रंच करते समय मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं इसको सैलो ना करूं, क्योंकि मैं जब भी क्ले पॉट सैलो करती हूं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टमक पेन रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं मेरा बता रही हूँ, किसी और को शायद होता होगा नहीं होता का मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता है। लेकिन क्रेविंग की वजह से क्रंच करना पड़ता है, तो क्रंच करके मैं सेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फाइड होने की कोशिश करती हूँ, सैलो ना करूँ यही कोशिश रहता है मेरा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सैलो हो ही जाता है, क्योंकि मुँह में कोई चीज़ लो तो वो सैलो होता ही है। मतलब 100% नॉन सैलो कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई चीज़ आप मुँह में लो और वो अंदर ना जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरा कोशिश भी वही था कि मैं सैलो ना करूँ, फिर भी अंदर चला ही गया और वो भी टेस्टी लग रहा था। एनीवेज बहुत ही क्रंची, बहुत ही अर्थी और टेस्टी था। आप लोग क्रंच को इन्जॉय कीजिए और बताइए कि आप लोगों को क्रंच कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग क्रंच देखिए, इन्जॉय कीजिए और कंट्रोल मतलब क्रंच मतलब मत कीजिए। क्रंच देख कर अगर आपका क्रंच शांत हो रहा है तो ज़रूर देखिए, और अगर क्रेविंग बढ़ रहा है तो मत 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 क्रंच कीजिए, कंट्रोल कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।